नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हिमाचल प्रदेश की आज की कोरोना अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना के रिकॉर्ड 3040 नए मामले सामने आए हैं। तो देखिए, हर दिन के साथ कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 1241 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज 40 लोगों की जान गई। अकेले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही 17 लोगों ने दम तोड़ा। हिमाचल में कुल आंकड़ा 96,929 पहुँच गया है और इसमें से जो एक्टिव केसेस हैं वो है 17,835। 77,576 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों का जो कुल आंकड़ा वो 1447 पहुंच चुका है। तो किस जिला से कितने नए मामले सामने आए, तो कांगड़ा में देखिए 610, सोलन में 539, शिमला में 412, मंडी में 307, सिरमौर में 291, बिलासपुर में 215, हमीरपुर में 193, चंबा में 192, लाहौल स्पीति में 93, कुल्लू व ऊना में 82, व किन्नौर में 24 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा में 267, शिमला में 185, हमीरपुर में 148, सिरमौर में 134, बिलासपुर में 132, मंडी में 108, ऊना में 66, कुल्लू में 59, चंबा में 58, सोलन में 52, बकिनोर में 32 लोग ठीक भी हुए हैं। हिमाचल में आज 12,891 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और उनमें से 5,819 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 5,398 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। जो आज के सैंपल थे उनमें से 1674 एक्टिव केसेस आए हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल्स से हैं। पिछले कल के 3,290 सैंपल की रिपोर्ट आना भी पेंडिंग है। कुल मिलाकर अभी तक 8,688 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। तो ये थी आज की कोरोना अपडेट। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकार कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए जो भी आपके लिए फैसले ले रही है वो आपको पता हो, ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।